In this lecture, we will study about carbohydrates. Carbohydrates are also known as saccharides, and saccharide means sugar. So simply, carbohydrates are sugar. And first of all, we will discuss the formula of carbohydrates. So formula of carbohydrate is CH2ON, where value of N can be equals to 3 or greater than 3. So what we can say, carbohydrates word itself say these are hydrates of carbon. These are hydrates of carbon. So carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, these are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Next we will study about the types of carbohydrates. There are different type of carbohydrates. On the basis of complexity of structure, these are majorly of three types. First one is monosaccharide. Second is oligosaccharide, and third one is polysaccharide. So what do you mean by monosaccharide? Mono means one and saccharide means sugar. So monosaccharides are made up of only one sugar subunit. Oligosaccharides, these are made up of 2 to 10 sugar units. And these are more complex. Okay. Next important property is monosaccharide cannot be further hydrolyzed. They can't be hydrolyzed. But oligosaccharide can be hydrolyzed. These can also be hydrolyzed. So what do you mean by this cannot be hydrolyzed? इसका मतलब क्या है कि monosaccharide जो है वो बहुत ही जो है वो simple sugar है. These are simplest form of sugar, simple sugar. Okay? अब यहां पे एक यूनिट जो है वो मिलके बनाता है, ठीक है. इसको हम फर्दर जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल ही स्मॉल यूनिट है. क्योंकि जबकि ऑलिगोसैकेराइड जो है यहाँ पे दो सब यूनिट मिलके जो है वो ऑलिगोसैकेराइड बना रहे हैं, तो इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो ये स्मॉलर यूनिट में टूट जाएंगे, ठीक. इसीलिए बोल रहा है कि इसको कि ऑलिगोसैकेराइड कैन बी हाइड्रोलाइज बट मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एंड पॉलीसैकेराइड कैन ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड. सो इट इज क्लियर फ्रॉम दैट व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. ओके, नेक्स्ट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी डिटेलिंग ऑफ मोनोसैकेराइड. ओके, ऑलिगो एंड पॉलीसैकेराइड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स भी जो है देयर आर टू टाइप्स, एल्डोसिस एंड किटोसिस. व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोसिस एंड किटोसिस? मोनोसैकेराइड को टू टाइप में डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप, अगर यहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, सीएचओ क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है, देन वी कैन से दीज मोनोसैकेराइड्स आर एल्डोसिस. अगर वहां पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ वहां पे जो है वो अटैच हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये शुगर मोनोसैकेराइड है, बट कौन सी टाइप की है, कीटोसिस. ये क्लियर हो गया, एल्डोसिस एंड कीटोसिस. हेयर फंक्शन ग्रुप इज एल्डिहाइड, हेयर फंक्शन ग्रुप इज कीटो शुगर. ओके, तो एल्डिहाइड एंड कीटो शुगर आर देयर. सो मोनोसैकेराइड जो है अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करेंगे, सी डॉट एच टू ओ एन. ओके, यहां पे क्या है, एन की वैल्यू हम वेरी करेंगे. सबसे पहले हमने बोला कि एन की वैल्यू 3 हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है. तो अगर हम एन की वैल्यू 3 ले रहे हैं, यहां पे अगर हम एन की वैल्यू 3 लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री.
H6O3। तो इट मींस कि जो स्मॉलेस्ट जो हमारा मोनोसेक्राइड है उसके पास कितना कार्बन एटम है, 3। और जहां पे 3 जो है कार्बन जो है शुगर प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम ट्राई ओजेस। ओज का मतलब होता है कि हमारा वहां पे हम शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्राई का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 3 है। सो ट्राइओज में आ जाएगा। अब ट्राइओज भी हमने बोला मोनोसेक्राइड में की दो तरह की होती है शुगर, एक होती है एल्डोजिस, एक होती है किटोजिस, एल्डोजिस एंड किटोजिस। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाता है, n की वैल्यू जब 3 है देन फॉर्मूला इज C3H6O3। ठीक है जी। अब कार्बन, 3 कार्बन हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे भी कार्बन कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, 1 2 3 1 2 3। डिफरेंस कहां पे आएगा, फंक्शन ग्रुप में, और फंक्शन ग्रुप क्या होगा, एल्डोज में क्या होगा फंक्शन ग्रुप, CHO एल्डिहाइड, और यहां पे क्या होगा, कीटो ग्रुप। तो हम यहां पे अगर देखें तो यहां पे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। बाकी जो है वो हम यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हमने 3 यहां पे लिख दिए, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने क्या करना है, यहां पे वैलेंसी इनकी फिल करनी है। तो यहां पे क्या होता है, OH H, यहां पे H H OH, ठीक है जी। इसको चाहे हम देख लेते हैं, 3 कार्बन हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑक्सीजन इज 3, 1 2 3, डन। एंड अगर हम फर्स्ट कार्बन में देखें तो यहां पे फंक्शन ग्रुप क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्डो शुगर है, और इसका एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। कौन सी जो मोनोसेकेराइड जो जिसमें कार्बन नंबर 3 है और वो एल्डिहाइड टाइप है, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर तो वहां पे फंक्शन ग्रुप कीटो ग्रुप है तो वहां पे क्या आएगा, कीटो शुगर, और उसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इसमें भी क्या है, कार्बन 3 ही रहेंगे, चाहे वो कीटो शुगर है चाहे एल्डिहाइड है, बस इसमें फंक्शन ग्रुप, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप लगा है, ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड, और कीटो ग्रुप जो लगेगा फंक्शन ग्रुप में वो सेकेंड कार्बन पे लगेगा, ठीक है। बाकी हम इसको जो है वैलेंसी फिल कर लेते हैं, देख लेते हैं, 3 कार्बन 1 2 3, ऑक्सीजन 3 1 2 3, एंड हाइड्रोजन आर 6 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, डन। सो एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, ट्राइओज में 3 कार्बन, बट उसका एग्जाम्पल अगर हम एल्डिहाइड शुगर का देखें तो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटो शुगर का है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो हमारा कार्बन नंबर 3 n=3 जो है हमने वो स्टडी कर लिया है। इसमें दो तरह की कौन कौन सी शुगर आती है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बन नंबर जो है वो 4 जो है वो वेरी करेगा, n की वैल्यू 4 अगर हम यहां पे देखें तो n की वैल्यू 4 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8O4, ठीक है। और एल्डो हमें पता है एल्डोज भी होते हैं, कीटो शुगर भी है, तो 4 जहां पे कार्बन नंबर 4 है वहां पे एल्डिहाइड टाइप की भी होंगी, कीटोन टाइप की भी होंगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आता है इरिथ्रोज, और यहां पे कीटो शुगर है, यहां पे इरिथ्रोलोज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, हमें पता है कि कार्बन हमने 4 ड्रॉ करनी है, उसी तरह से जैसे हमने ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उस तरह से हम यहां पे भी ड्रॉ करेंगे। यहां पे जैसे ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, इसी तरह से इरिथ्रोलोज में भी सेम कीटोन ग्रुप आएगा सेकेंड कार्बन पे, और हम वैलेंस जो है इनकी वैलेंसी के हिसाब से हम हाइड्रोजन और OH ग्रुप यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
तो एग्जाम्पल क्या है, अगर हम कार्बन नंबर 4 का एग्जाम्पल देखें तो एल्डो शुगर कौन सी होती है, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज, ये हमें मेमोराइज रखनी है चीजें। नेक्स्ट अगर मैं देखूं एन इज इक्वल टू 5 अगर मैं पुट कर लूं तो कार्बन नंबर 5 H10 हो जाएगा और O क्या रहेगा 5। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है राइबो शुगर। राइबोज में क्या होती है, कार्बन 5, तो कौन सी शुगर है, राइबोज जो एल्डिहाइड टाइप में आती है, और एक होती है राइबुलोज, अगर कीटो ग्रुप आ गया तो उसको बोलेंगे हम राइबुलोज। कार्बन 5 रहेगा, कार्बन 5 मीन्स राइबोज, कार्बन 4 मीन्स इरिथ्रोज और कार्बन 3 इज ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, एंड नेक्स्ट अगर एन की वैल्यू 6 हो जाए, इफ एन इज 6, एन की वैल्यू क्या वेरी करेगी, 6। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एन की वैल्यू 6 है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, C6H12O6। ये हमने ऑलरेडी सुना होगा ना, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज जो है मैमेलियन बॉडी में एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स काम करता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है और बॉडी एज इट इज को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। हमने ऑलरेडी सुना होगा जैसे डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या देते हैं, हमेशा ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से उसको यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, अगर हम और अदर फॉर्म में देंगे तो वो एकदम से यूटिलाइज नहीं कर पाता, जैसे हम फूड के थ्रू भी एनर्जी लेते हैं बट उस केस में क्या होगा, टाइम लेती है हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने, बट अगर हम ग्लूकोज डायरेक्टली दे रहे हैं तो ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। तो एल्डोज में आता है तेरा ग्लूकोज और कीटोज में आता है हमारा फ्रक्टोज शुगर, ये हमने सुना होगा। ठीक है, इन दोनों में कार्बन नंबर 6 ही रहता है, बस यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज में क्या है, CHO जो है एज ए फंक्शन ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड शुगर है ये, और फ्रक्टोज में क्या होगा, कीटो एज ए फंक्शन ग्रुप है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज, वेदर ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइड शुगर और कीटो शुगर, तो आंसर इज ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड शुगर, क्योंकि यहाँ पे CHO एज ए फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लगा होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे ग्लूकोज की, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कार्बन नंबर कितना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नंबरिंग हम यहां से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे फर्स्ट कार्बन पे अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 6 है, देन इट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे इसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और क्या है, ग्लूकोज में साथ में इसको हम डी लिखते हैं ज्यादातर, डी ग्लूकोज, सिंपली आपने देखा होगा हमेशा जब भी ग्लूकोज लिखा तो साथ में डी जुड़ा होता है। ठीक है, डी का भी हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डी ग्लूकोज, डी का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, सो अभी सिंपली हम ऐसे लिखेंगे डी ग्लूकोज। हमने कार्बन तो 6 फिल कर लिया, अब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिल करने हैं, यहाँ पे वैलेंसी फिल करनी है। ठीक है जी, तो हम मेनली डी ग्लूकोज का मतलब होता है जब हम हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्लेस करेंगे तो वो राइट साइड को प्लेस करते चलेंगे हम, जैसे यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया, ये राइट साइड को है, यहाँ पे भी मैंने OH ग्रुप राइट साइड को लिया। ठीक है, H 1, 2, 3 बॉन्ड आगे कार्बन के, चौथा H। ठीक है, चार वैलेंसीज होती है हमारी कार्बन की, तो हम वो पूरी करते चलेंगे, H और OH ग्रुप जो है ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस साइड को H आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे भी OH इस तरह से लिख दिया। ठीक है, सेकंड में भी OH इस तरह से आ गया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, डी मींस, डी का मतलब क्या है, ग्लूकोज तो हमें पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, डी का हमें मेनली यहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने यहां पे डी ही क्यों लिखा। ठीक है, तो डी का मतलब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लो जो ये फिफ्थ कार्बन है इसमें अगर OH ग्रुप हमारा राइट साइड को है, अगर ये राइट साइड को लगा हुआ है तो इसको डी बोलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट भी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट मैंने ऐसे आइडिया दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम राइट साइड को जब प्लेस करते हैं तो हम उसको डी ग्लूकोज लिख लेंगे। ठीक है, OH यहाँ पे भी राइट को है, राइट राइट राइट। ठीक है, बस यहाँ पे थर्ड कार्बन थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये हमें चीजें याद रख लेनी है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करेंगे डी ग्लूकोज लिखेंगे तो हम राइट को हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेस करेंगे, बट थर्ड कार्बन पे इसका रिवर्स होता है, यहाँ पे
एच राइट को आता है और ओ एच लेफ्ट को आता है। ये एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि क्यों ऐसा होता है, जब मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पे होती है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे डिफरेंट। तो हमें जब भी ड्रॉ करने को बोला जाएगा डी ग्लूकोज तो हम सारे जो है राइट साइड को करेंगे। फिफ्थ कार्बन मेनली हम देखेंगे, ओ एच ग्रुप राइट को किया हुआ है तो सिक्स पे भी ओ एच ग्रुप राइट को ही रहेगा, फोर्थ में भी, बस थर्ड में डिफरेंस होता है, बाकी हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम फ्रक्टोज का ड्रॉ करेंगे तो फ्रक्टोज में जब भी हम कीटो ग्रुप ऐड करेंगे ना एज ए फंक्शन ग्रुप, तो हम फर्स्ट में उसको सेकेंड पे ऐड करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको भी हम क्या लिखेंगे, डी फ्रक्टोज, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप। इसी से हम बोल सकते हैं जब सेकेंड कार्बन पे जब कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, फ्रक्टोज शुगर है, इट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज फ्रक्टोज। और अगर फर्स्ट कार्बन पे सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे इट इज ग्लूकोज, दैट इज अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड शुगर, ठीक है। यहीं से डिफरेंस हो जाता है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम सिर्फ इसकी अब वैलेंसी पूरी करेंगे, कार्बन सिक्स मैंने ऐड कर दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब मैंने बोला डी फ्रक्टो, तो डी का मतलब है जो फिफ्थ कार्बन है ओ एच किस साइड जाएगा, राइट साइड, फोर्थ पे भी किस साइड जाएगा, राइट साइड, थर्ड पे डिफरेंस होता है ये हमने देखा था, ठीक है। तो थर्ड में उल्टा होगा एच एंड ओ एच, ये हमें याद रख लेनी चाहिए जब भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पे भी एच और ओ एच, एक बार आप चेक कर लेना, कार्बन सिक्स है, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। एच 12 होंगे और कार्बन तो 6 है ही है, तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है और ये हमें ड्रॉ करना आना चाहिए कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डी फ्रक्टोज का, ठीक है। हमेशा हम राइट साइड को लिखते हैं जब डी वर्ड जुड़ा होता है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज अल्डिहाइड ग्रुपर अल्डिहाइड शुगर, वाइल फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डी, व्हाट डू यू मीन बाय डी, डी ग्लूकोज। सो डी रिप्रेजेंट टू डेक्सरोट्रेटरी एज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट, इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसमें डी का मतलब, क्योंकि मैंने हमेशा ग्लूकोज के साथ डी लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज डी, डी का मतलब वैसे फुल फॉर्म है इसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डी है, एक एल ग्लूकोज भी होता है, एल ग्लूकोज, एल का मतलब होता है हमारा लीवो रोटेटरी, दैट मींस लेफ्ट, लीवो रोटेटरी मींस जो लेफ्ट को रोटेट करे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस जो राइट को रोटेट करे, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला कि हमारा जो डी ग्लूकोज है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड को लगेगा, राइट साइड को। तो हमें बस ये एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डी का मतलब है डेक्सरोटेटरी, दैट मींस वो राइट साइड को रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, और एल का मतलब है लीवरोटेटरी, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट, मींस ये लेफ्ट को रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। हमें ड्रॉ करना आना चाहिए कि डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज मैंने बता दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे डिफरेंस होता है, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 में वो राइट साइड को चलते हैं, ठीक है। तो अगर राइट साइड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे डी, अगर लेफ्ट साइड को लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे एल। तो यहां पे ड्रॉ कर देते हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ये दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, बट मेजरली हमने डी ग्लूकोज को ही बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि डी ग्लूकोज जो होते हैं मेमेलियन सेल में यही जो होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, हमारे जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ इसी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एल फॉर्म में वो मेटाबोलाइज कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमने जनरली ग्लूकोज को डी ग्लूकोज में ही रिप्रेजेंट किया होता है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्रॉ करूं तो इसमें हमें पता है कि 6 कार्बन होती है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। फाइव कार्बन पे अगर ओ एच राइट को लगा हुआ है तो वो क्या है, डी है, डी ग्लूकोज।
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिफ्थ पे अगर ओ एच ग्रुप इस साइड को लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एल ग्लूकोज। पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, ओ एच एच एच, इसमें भी ओ एच एच एच, तो ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ में अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें लेफ्ट को है, तो ये एल ग्लूकोज आ गया, और इसमें जो है वो राइट को है, तो इसको बोलेंगे हम डी ग्लूकोज, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इट इज लीवो रोटेटरी। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से, फोर्थ पे भी क्या होगा, राइट साइड को, थर्ड पे हमें पता है अपोजिट होता है, इसमें भी राइट साइड को। अब यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्साइड लेफ्ट साइड को, थर्ड में डिफरेंट जाएगा, बाकी ये लेफ्ट साइड को ही होगा। इसमें H इस साइड आ जाएगा, OH इस साइड आ जाएगा। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर राइट को है, फिफ्थ कार्बन मेजरली हम देखेंगे तो ये D है, अगर ये फिफ्थ कार्बन पे लेफ्ट को है तो ये L ग्रुप हो जाए। बाकी हम वैलेंसीज की फिल कर लेंगे। तो हमें डिफरेंस समझ आ रहा है, और ये कैसे समझ आ रहा है कि डी और एल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है जी, अगर हम इसको इस तरह से इसका प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन देखें तो इसकी जो राइट साइड है ना वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, इस साइड को जो इसके राइट में है वो इसके लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इनकी चेंज है बस, बाकी जो मॉलिक्यूल है दैट इज सेम। तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एल ग्लूकोज को, क्योंकि एल ग्लूकोज बॉडी में कुछ ज्यादा यूजफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि एल फॉर्म को हम मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकते, हमारे जो बॉडी में एंजाइम है दे आर ओनली ऑफ डी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाले। ठीक है, तो इसीलिए डी ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे, कार्बन नंबर फाइव पे अगर ये राइट साइड को है तो देन इट इज डी ग्लूकोज। जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम ये जो है इस वैल्यू ओ एच जो है ग्रुप वो हमेशा हम राइट को लिखेंगे जब हम डी ग्लूकोज लिख रहे हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना आना चाहिए डी ग्लूकोज का, और हमने डिफरेंस भी देख लिया एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। अब ग्लूकोज हमने देखा कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मेजरली हम ग्लूकोज ही डिस्कस कर रहे हैं, जो मोनोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोसैकेराइड में वो ग्लूकोज शुगर ही है। ठीक है, और फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज को अगर हम लें तो ग्लूकोज का हमने एक लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ग्लूकोज जरूरी नहीं है कि हम लीनियर स्ट्रक्चर में, इसको एक साइक्लिक फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम कैसे एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे, हेक्सागन जिसमें सिक्स मेंबर्ड रिंग होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स मेंबर्ड रिंग लेते हैं और इसमें हम जो है वो ग्लूकोज, इस तरह से हम ग्लूकोज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि ये जो है हेक्सागन के हेल्प से अगर हम कर रहे हैं तो ये ज्यादा इजी हो जाता है हमें ड्रॉ करना एज कंपेयर टू लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो दो तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और लीनियर, तो हम साइक्लिक फॉर्म भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूं, हमें पता है कितने कार्बन आएंगे, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके, तो डी फॉर्म में ही हम लिख रहे हैं इसको, डी फॉर्म में। ठीक है, तो ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन में किस साइड जाएगा, राइट साइड को जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड आएगा। ठीक है, फोर्थ में भी सेम राइट साइड को, थर्ड में अपोजिट रहता है इसके, और यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारा स्ट्रक्चर है लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि साइक्लिक फॉर्म कैसे बनेगी, तो जो फर्स्ट कार्बन है इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फिफ्थ कार्बन के साथ रिएक्शन कर देता है। ठीक है, फिफ्थ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और एक साइक्लिक फॉर्म में मॉलिक्यूल जो है वहां पे बनाता है। ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये फिफ्थ के साथ रिएक्ट करेगा और एक लीनियर स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बोला हेक्सागन फॉर्म में हम लिखते हैं इसको इस तरह से। ये हेक्सागन फॉर्म है।
छह मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ये सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, अब होता क्या है जब इस तरह से ये रिएक्ट करता है आपस में, तो जो इसका फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर OH ग्रुप आ जाता है, और जो इसका फिफ्थ कार्बन है इसके पास O के साथ बॉन्डिंग आती है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है ये। ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये इस ऑक्सीजन के साथ फिर दोनों बॉन्ड बनाते हैं आपस में, और फिर क्या देंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइकिल बन जाएगा ये। ठीक है, तो साइकिल में हमने क्या बोला, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन O, ये H मॉलिक्यूल यहां इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा और जो ये ऑक्सीजन है ये दोनों इसको शेयर करेंगे, तो कुछ हमारा साइकिल फॉर्म में जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंड हो जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर साइकिल की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो डॉट्स है ना ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमने देखा ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसके बीच में, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन आएगी, यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे सेकेंड आएगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट कार्बन हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें कार्बन तो हमें पता है ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, अब हमें रिप्रेजेंट करने हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। तो जैसे ही ये इस तरह से रिएक्शन देगा तो हम क्या देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसका डाउन चला जाएगा और हाइड्रोजन हम अपसाइड जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन जो है इसमें अपसाइड चला गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, सेकेंड ग्रुप पे भी सेम रहेगा, थर्ड हमने देखा है ऑलवेज अपोजिट जाता है इसके, फोर्थ पे भी सेम रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है, ठीक है, ये अबव जाएगा हाइड्रोजन। अब फिफ्थ कार्बन की बात आती है, फिफ्थ कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा, एक हाइड्रोजन है, अब इसमें ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है ही, तो इसके ऊपर कौन सी सिक्स कार्बन जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो सिक्स कार्बन में ये आ जाएगा CH2OH। सिक्स कार्बन के साथ क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो कुछ इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जब ओलिगोसैकेराइड स्टडी करते हैं तो उसमें ये रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही हम उनको राइट डाउन करेंगे, तो ये हमें याद रखना है स्ट्रक्चर कैसे बना है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें भी ना जब हम साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं तो साइक्लिक भी दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, एक को हम अल्फा ग्लूकोज लिखते हैं, एक को हम बीटा ग्लूकोज लिखते हैं। अब ये बीटा और अल्फा का डिफरेंस क्या है, है तो ग्लूकोज बट अल्फा और बीटा दो डिफरेंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखते हैं हम, ये है अल्फा फॉर्म। ठीक है, अल्फा और बीटा दो तरह के आते हैं, तो अल्फा और बीटा, अल्फा है अगर कार्बन नंबर वन में जो OH ग्रुप है ये बिलो साइड को प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप बिलो साइड को प्रेजेंट है तो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर कार्बन नंबर वन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपसाइड को प्रेजेंट है, बस डिफरेंस कहां पे होगा, सिर्फ कार्बन नंबर वन पे, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो प्रेजेंट है देन इट इज अल्फा, अगर ये अपसाइड को प्रेजेंट है देन इट इज बीटा। और इस तरह की जो दो फॉर्म्स हैं अल्फा और बीटा फॉर्म, इनको हम एनोमर्स भी बोल देते हैं, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, एनोमर्स, और कार्बन नंबर वन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। तो इस तरह से दो साइक्लिक फॉर्म बनती हैं और ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है कि अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, ओनली ऑन कार्बन नंबर वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ बिलो साइड प्रेजेंट है देन इट इज अल्फा, अगर अबव साइड है देन इट इज बीटा। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स।